फ्रेंड्स, मैं सुमन सिंह, मेरे चैनल होममेकर सुमन में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गैस, आज मैं थोड़ा हटकर एक रेमेडी लेके आई हूँ। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है और ये आई साइट बूस्टर है। आजकल आपने देखा है कि कोरोना पीरियड में बच्चे घर से ही स्टडी कर रहे हैं, उनका लैपटॉप का और टीवी का ज़्यादा यूज करने से बच्चों की आँखें इफेक्टिव हो रही हैं, उनकी आई साइट पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है उनका नंबर। इन सभी के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो दादी नानी हमारी बताती आई हैं, वही रेमेडी है, कोई अलग नहीं है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसे जरूर यूज़ करिए और आप इवन आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इसको शेयर करिए, जिससे उनका भी फायदा हो सके। इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बच्चों को जो थकान होती है आंखों में वो दूर होगी। और ये मैं नहीं कह रही, बहुत पुराना नुस्खा है, हमारी दादी नानी के समय का, वो भी हमें देते थे और इतना इफेक्टिव है कि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद समझेंगे। इससे बच्चों की ब्रेन पावर भी बढ़ती है और इवन जो बड़े लोग हैं, हम लोग हैं, उन स्किन हमारी बहुत अच्छी होती है, ग्लोइंग स्किन होती है, एंटी एजिंग भी होता है। आप इसको एक महीने तक जरूर यूज़ करिए। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे इसको यूज़ करें, किस तरह से बच्चों को दें, आप कैसे तैयार करें, आप पूरा वीडियो देखिएगा। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करें। आंखें हैं तो सब कुछ है। आंखें भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर तोहफा होता है, सबसे अच्छा वरदान है गाइस, और इसकी केयर करना हमारा और आपका सबसे पहला काम होता है। बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी गलतियां या उनकी जो आंखों की कमजोरी होती है वो जीवन भर के लिए फिर उसको परेशानी देती है। इसलिए गाइस, ये इतना सिंपल नुस्खा है, बहुत अच्छी रेमेडी है जो आंखों को तेज करेगी, आंखों का चश्मे का नंबर को घटाएगी और बहुत ही अनेक फ़ायदे हैं। इसे तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने सौंफ, मिश्री, बादाम और काली मिर्ची, ये चार चीज़ें ली हैं। बादाम हमें वो एक कागजी बादाम लेने हैं या जो नॉर्मल सिंपल बादाम आते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि काली मिर्च, सौंफ और बादाम, ये तीनों हमें नॉर्मल तरीके से जो यूज़ होती है वही लेनी है, रोस्टेड नहीं लेनी है, इनको भूनना नहीं है। सौंफ को भूनने से ना उसमें एक अलग सी स्मेल सी आने लगती है, जिससे फिर वो पीने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। और सौंफ भी यहाँ पे हमें मोटे दाने वाली लेनी है। गाइस, यहाँ पर मैंने सबसे पहले सौंफ को पीस लिया है और इसका बहुत ही फाइन हमें पाउडर बना लेना है, और चाहें तो आप इसको किसी छलनी से छान भी लें। अब इसे हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। अब हम मिश्री को पीसेंगे। गाइस, यहाँ पर मैंने बड़ी वाली मिश्री ली है, जो देसी मिश्री होती है धागे वाली। इसे हम थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लेंगे, फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। हमें सौंफ को, मिश्री को और बादाम को, इसको हमें 100-100 ग्राम लेना है, और काली मिर्च को हमें 15 ग्राम लेना है। गाइस, अगर वाइट वाली काली मिर्च मिल जाए तो वो बहुत बेस्ट होती है, अगर वो नहीं मिल रही है तो ये सिंपल वाली हम ले सकते हैं। अब ये देखिए, हमने इसको मिश्री को भी पीस लिया, बहुत ही आसानी से ये पीस गई है। अब इसे भी हम सौंफ वाले जिसमें कंटेनर में हमने रखा उसमें ही इसको भी मिक्स कर देंगे। बादाम को और काली मिर्च को हम एक साथ पीस लेंगे। इसे भी हम जितना हो सके उतना आपको इसका फाइन पाउडर बना लें। देखिए गाइस, ये जो पाउडर हम रेडी कर रहे हैं, इसे दो टाइम लेना है, सुबह लेना है और रात को लेना है। सुबह इसे खाली पेट लेना है दूध के साथ, और गर्मी में आप इसे लस्सी के साथ ले सकते हैं। और रात में सोने से पहले, जब हम बेड के टाइम, जब हम बच्चे सोने के लिए जाते हैं उस टाइम आप उनको दूध देते हैं, उसी में इसको मिक्स करके दें। देखिए, हमारा ये पाउडर रेडी हो गया। अब हम इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे। गाइस, ये हम बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। हमने, जैसा मैंने पहले बताया, इससे बादाम के जितने फ़ायदे हैं वो हमें भी मिले, इसलिए हम भी इतनी मेहनत करते हैं। आप भी अपना इसका ध्यान रखिए और रोज़ दूध के साथ आप भी इसको लीजिए। बड़े इसको 1.5 चम्मच लें और छोटे बच्चों को आप 1 से 1.5 चम्मच तक दे सकते हैं। और बहुत ही पुराना इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये, कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। चश्मे का नंबर ज़रूर घटेगा, ये तो बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल गारंटी से कह रही हूँ कि इससे आँखों को बहुत फ़ायदा होता है और इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। जब इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो चेहरे पे चमक तो आएगी ही। बादाम से बच्चों का दिमाग तेज होता है। और गाइस, जब सर्दी ज़्यादा हो रही हो तो इसमें हम 2 से 3 बूंदें रोगन सिरिन, जो बादाम का तेल आता है, उसको भी मिक्स कर सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा फ़ायदा करेगा।
और इसमें आप चाहें तो रेगुलर एक चम्मच शहद भी मिक्स कर दीजिए, जिससे ये और ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक बन जाएगा। इस पाउडर को 30 से 40 दिन तक लगातार यूज़ करें, फिर आपको ज़रूर इसके फ़ायदे दिखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर किया करिए आप। और इसी तरह की और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ देखने के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ आप बने रहें। बेल आइकन को गाइस ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलती हूँ फिर से आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।